को पावन अपनी हाथी से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुजाई देवियो बड़भागी गीता के पैरोकारों मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दीजिए अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। ईशान देवी ईशान शीघ्र कल्याण कैसे हो, यही उमंग और लहर लेकर हम लोग अपनी साधना में लगे हुए हैं। नवे अध्याय की पूरी से सहायता ली जा रही है और उसी के अनुसार अपनी साधना को हम में वृद्धि पा रही है। एकाग्र मेरे दिव्यो सजनों, अनुभवियों ने भी हम लोगों को कई कई श्लोकों के विषय में बड़े जोरदार शब्दों में समझाया और बताया है। उनमें से ये एक श्लोक है जिस पर आज मैं प्रकाश डालने जा रहा हूं। बड़ी कमाल का, बड़ी जबरदस्त शक्ति है मेरे भगवान की ऐसे फरमान में, और हम भी लाभ उठा रहे हैं और भी ज्यादा उठाएंगे। आज के बाद तो और भी हमारा उत्साह बढ़ेगा। सुनो मेरे देवियों मेरे सज्जनों, हमारा कल्याण शीघ्र कैसे हो तो रहा है, हम चाहते जल्दी हो जाए ना, चूंकि उधर भगवान जी कह रही है ना, छोड़ा अभी जिसने तन का कपट मगर कर लिए जेब कैसे हो, बस शरीर नहीं छूटा लेकिन उसने पहले अपने आप को निर्मल कर लिया। तैयारी का मतलब क्या, सत्संग में आने का, खासकर गीता जी सुनने का मतलब क्या, अंतःकरण को निर्मल करना। ध्यान देना, जब भी आप भवन की ओर आया करें तो गीता जी जरूर याद आएगी। तो गीता सुनने का मतलब क्या, कल्याण करना, कल्याण कैसी हो, अपने अंतःकरण को निर्मल करना। समझिए ना, जैसे घर में बैठे हो तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जब भी आप बाहर निकलती हैं, आप जेंट्स हैं या लेडीज, कपड़े सुंदर पहनकर जरा चेहरा साफ करके कंघी करके अच्छे बन के निकलती है। लल्ले को लल्प लल्ले बन के नहीं निकलते, बंद गोभी बन के नहीं निकलते, फूल गोभी बन के आप निकलते। बंद गोभी तो घर में बने रहते हैं, गिल्ले कमले यू बन के बैठे रहती है, लेकिन जरा सा बाहर निकले, निकलने का भाव बहुत कितने सुंदर। इसी तरह देखिए कि जैसे हम शरीर को अच्छा बना के बाहर निकलती है, जब इस शरीर को छोड़े और बाहर जाए निर्मल होके जाए, बस यहां आने का मतलब यह है कि मैं अंतःकरण को निर्मल करूं। सुन लो भोली भाली देवियों, कई जगह आप धर्म स्थान में गई हैं, छैने खड़काए हैं, बैंड बजाए गए, ढोलकी से गालियां ली हैं आपने, ढोलकी का चमड़ा ही तोड़ दिया आप लोगों ने मार मार के, बहुत कुछ किया, कई बार तीर्थों पर भी गए हो, मतलब नहीं समझे। मतलब तो सिर्फ अंतःकरण को सफा करना, अंतःकरण को निर्मल करना। अब साधना करने का अर्थ अंतःकरण निर्मल करना, तप करना, जप करना, भजन करना, सत्संग में आना, गीता जी पढ़ना, ध्यान लगाना, प्रातः काल उठना, इन सब प्रकार की धार्मिक क्रियाओं का अभिप्राय इतना ही है, अंतःकरण की सफाई, अंतःकरण की सफाई जी। अब ये शीघ्र कैसे हो, भगवान के 3वें अध्याय में आखिर में जाकर, कोई आदमी घर के बदकार है, हम ऐसे तो नहीं है, डाकू नहीं, चोर नहीं, उचक्के नहीं, राजन नहीं, हम एक सामान्य जीव है, सामान्य से भी जरा आगे निकल गए चुके, भगवान के लगन लग गई, तो ऐसे जीव आप जैसे सामान्य जीव से जरा आगे निकल जाते हैं। सामान्य जीव सिर्फ खाने पीने और बच्चे बना करके पढ़ा करके मर जाती है, बस जो विशेष अपने जीव होते हैं वो अपना साथ परमार्थ भी बना लेते हैं, अपने भगवान जी को भी रिझा लेते हैं, उनको हम बोलते हैं विशेष जीव।
उनके लिए मेरे भगवान कह रही हैं क्या, चाहे कोई कितना ही गंदा था, कोई आदमी गर्चे मत कर मगर आप दिल से परस्तार। अब वो उसको बड़ा पश्चाताप, ये प्रकृति का नियम है मेरे देवी मेरे सजनों, ये प्रकृति का नियम क्या, कितनी आप मनमानी कर ले दुख पाते हैं। कामी बने क्रोधी बने, मनमानी का मतलब कामी बनना, क्रोधी बनना, मोही बनना, लोभी बनना, अहंकारी बनना, यह मनमानी करना। अच्छा, इसका परिणाम, इसका परिणाम गम बेहिसाब उनको देने हो कर। याद रखना मेरे देवियों मेरे सजनों, नाना प्रकार के गम आ रहे थे, गम भी केवल तीन प्रकार के, शारीरिक मानसिक और पारिवारिक, और गम भी तीन प्रकार के, दुख भी तीन प्रकार के, क्लेश भी ये तीन प्रकार के हैं जो जीव को बर्बाद कर देती है। हाँ, हम इसका देखें कि अगर इसके करने के बाद कोई किसी को ना उपदेश दो, उनके उनको ये दर्द तकलीफें चोटें बीमारियां मजबूर कर देती है भगवान की ओर जाने के लिए। मन ले कामी क्रोधी लोभी, मन ने मनमानियां कर ले, लेकिन परिणाम क्या होगा, दुख, और दुख के आना जीव को रास्ते भी ले आता है। दुख तो गुरु है, दुख तो हमारी इंस्ट्रक्टर और टीचर है मेरी देवी मेरे सजनों, ध्यान से सुनना। कोई आदमी गर्चे बदकार गए मगर मेरा दिल से प्रस्तार, बदकार तो था, बदकार में दुराचारी, अब दुराचार करने से क्या हुआ, बहुत दुख पाया, अब वो सदाचारी बनने लगा। उसे भी समझ ले कि साधु, भगवान जी हम सबको कह रही हैं, वो साधु, वो साधु मतलब वो सज्जन पुरुष बन जाएगा, वो भला पुरुष बन जाएगा। लेकिन अगर भगवान ने ताकत कहां भरी है, इरादा में नेकी की जिसका इरादा बड़ा पक्का है, आज इसी पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। इरादा में दैवी शक्ति है, इरादा में दैवी शक्ति, दृढ़ भाव में भगवान की विशेष शक्ति छिपी पड़ी है, दृढ़ भाव। अच्छा, पक्का इरादा, मर मिटूंगा लेकर मैं करके रखूंगा, आपसे मेरे प्रभु जी यही उम्मीद रख सके। अगर आपके मन में यह पक्का इरादा है, ध्यान देर दराज एकाग्र होकर रहना कि मैंने इसी जन्म में अपना कल्याण कर जाना, अगर ये भाव आपका पक्का है, इसी जन्म में मेरे कल्याण करना है, तो भगवान कहते ये पक्का इरादा को मर मिटूंगी, लेकिन ये मैंने करना ही है। सुन लो भाई, चार कान लेकर के सुन लो, मैंने इसी जन्म में करना है। नारायण हरि, सब बला तली, पर ये पक्का राधो का मैंने करना इसी जन्म में, और मैंने ये कर दिखाना है। तो इससे क्या होता है, इसमें भगवान जी, इस दृढ़ता में भगवान जी छिपे हैं। मैंने जरूर कर, क्या हो गया मैं पत्नी हूं किसी की, तो क्या हो गया मैं नारी चोले में आई हूं, कोई बात नहीं, पर मैंने कल्याण करना, पहले मुझे पता नहीं था, अब तो मुझे पता लग गया, अब मैं अखी देख के मक्खी नहीं निकल सकती, अब मुझे भले बुरे की पहचान, उचित अनुचित की पहचान हो गई, अब मैंने कर दिखाना है। ओ शाबाश शाबाश, अब मैंने ये लंबी छलांग ले ही लेनी, शाबाश शाबाश, अब नहीं मैं पीछे रह सकती, अब तो मैंने करना ही है ये काम, ध्यान देना, अब तो ये मैंने कार्य ही लेना है, ध्यान देना। भगवान कहते हैं वो चाहे कितना दुराचारी था, पर उसे भी समझ ले कि साधु है वो। हमारे प्रभु कह रहे हैं, हमारे सरताज कह रही है, हमारे जगत गुरु फरमा रही है, वो साधु कराने योग्य है। कौन? इरादा में नेकी के यक्षु है जो, जिसने इतना पक्का इरादा कर लिया। एक नहीं, अनेक दृष्टांत मिलती हैं। क्या इतना नामी ग्रामी डाकू, कौन? रत्नाकर, नामी ग्रामी, हाय हाहाकार मचा रखी थी उसने अपने इलाके में, छोड़ना नहीं किसी को, उसने कत्ल कर देने, मार देना। और एक उच्च कोटि के देवऋषि के संपर्क में आकर, नारद जी के संपर्क में आकर, इतने चोटी का तप, तप तपस्वी कि आज घर घर का वाल्मीक है। वाल्मीक पहले क्या थे? डाकू। और एक संपर्क में आकर तपस्वी, खूनी से मुनि, खूनी से मुनि, उधर देखो पिंगला भेषिया, और अपने महात्मा जी के संपर्क में आकर, दत्तात्रेय जी के संपर्क में आकर, चोटी की योगन थोड़ा सा इशारा कर दिया, दिन उसके अच्छे आ गए। हमें अनेक दृष्टांत मिलती हैं।
अपने यही विवेकानंद 20वीं शताब्दी के पहले क्या थे आस्तिक नास्तिक बीच में, और इतने पहुंचे हुए परम जी के संपर्क में आकर इतनी छोटी के बन गए क्या इंटरनेशनल महात्मा। इंटर 20वीं शताब्दी में दो महात्मा इंटरनेशनल माने जाते हैं, आप जानती हैं, पहले विवेकानंद जी, दूसरे गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ। हिला दिया भारत को और विदेश में जाकर। ये दोनों इंटरनेशनल महात्मा बड़े पॉपुलर हो चुके हैं विशिष्ट इस शताब्दी में। अच्छा, इस 20वीं शताब्दी में दोनों चोटी के हिला के रख दिया। पहले कह और बाद में क्या हो गए, सिर्फ इरादा में कि ये तो मैंने कर दिखाना। अब जब हम मान लेते हैं कि इसी में मेरा कल्याण है, और कुछ अंदर बगावत होती है, हमारे मन विद्रोह करता है, अब सिर्फ खाना पीना बच्चे में आके मर जाना, विद्रोह होता है हमारे अंदर, नहीं ये जिंदगी नहीं, ये जीवन नहीं है, लानत है जिंदगी, पता नहीं ये कौन से अंदर से आवाज है। हमारे अपने पिछले जन्मों के पुण्य जाग उठे हैं, अंदर से ये दैवी ध्वनि निकल रही है, जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी भक्ति के बिना शर्मिंदगी है। अब इसने इतना रोमांच कर रखा है हमें, इतना जुब्बश में ला रखा है सबको कि नहीं, असल जिंदगी असल जीवन तो भक्ति के साथ है। आहा, तो अब जब ये बात बिल्कुल ही सत्य है, अब तो मेरी देवी मेरे सजनों पक्के इरादे करे कि मैंने इसी जन्म में तरना है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये तो सबसे पहले इरादों का, मैंने इसी जन्म में तर जाना, मैंने आप पीछे नहीं रहना। और आसान मार्ग, बाकी सब मार्ग बड़े मुश्किल है, गृहस्थी निभाना मुश्किल, कमाना बड़ा मुश्किल, सेहत चली जाए तो उसको दोबारा लाना बड़ा मुश्किल होता है, ये सारी बातें मुश्किल है, लेकिन भक्ति करना आसान किसके लिए, जिसने ये पक्का इरादा कर लिया कैसे मैंने बन जाना है, कैसे मैंने अपनी बिगड़ी बना ले ली है, तो भगवान जो साथ हो जाती है। आप ये ना करें, ये बात बनेगी कैसी, काका बच्चे बुजुर्गों मेरे भाइयों मेरी माताओं मेरी बेटियों, आप अपनी ओर मत देखो, जब आपने पक्का इरादा किया भगवान आपके साथ हो गए, शाबाश शाबाश शाबाश, प्रभु आपके साथ है, याद रखिए जरा, भगवान ने ये नहीं देखना आप रजोगुणी सतोगुणी है तमोगुणी है कैसे ही है, इरादा पक्का है आपका, मर मिटने का इरादा है भगवान आपके साथ। ये अगर शहरी स्थिति में ना हो ना सोचो ऐसा कमले, मेरे मालिक आपके साथ अगर इरादा पक्का है तो हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया, हिम्मत मर्दा, भारत के इस कोने से उस कोने तक आवाज आ रही है, क्या परमात्मा उन्हीं की सहायता करती है, मानो मैं भूल गया आ गया, बोलो, परमात्मा केवल उन्हीं की सहायता करती है जो अपनी सहायता के लिए कमर कस, ये कहना अपनी सहायता आप करते हैं गलत, जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती है। जब कोई योद्धा जाता था ना रणभूमि में, तो इधर से कपड़ा लेकर यूं कस के, ए लो, या मार के आऊंगा या मर जाऊंगा, तो ये कमर कस ली, यू कहते हुए ये इधर से गांठ लगा लेते थे, ये हमारे है उसने कमर कस ली है, अर्थात मर मिटने का पक्का इरादा कर लिया। हमारे देशवासी मेरी बेटियों लड़कियां भी, अगर आप झांसी रानी की जीवनी पढ़े तो अब तक ये हमारे छोटे बालक कह करके हमारे प्रेम के आंसू ला रहे गए, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, हर बेलो बुंदेलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी, उन्होंने कस लिया। अब हमारे सामने परमार्थ है, और परमार्थ क्या चाहता है, सफाई किसकी, अंतःकरण की। एक एक बात मेरे जैसों से क्लियर कर लो, इस मार्ग में अंतःकरण की सफाई चाहिए। अंतःकरण खराब क्यों हो गया, हमारी अपनी अज्ञानता से हमने बुरी सोबत की। बुरी सोबत किसकी होती है, जो भगवान से प्यार ना करके जहान के इन गंदी वृत्तियों से प्यार करती है। क्या कामी, कामी बन गए, काम से गंदी गंदगी की वासना, औरत की वासना, आदमी की वासना, अंदर गंदी गंदी इच्छाएं, अंदर गंदी गंदी हालचाल मच गए। अच्छा, वो काम से क्रोध पैदा होने लग गया, फिर हम लोभी बन गए, मोही बच्चे बुच्चे मोही बन गए, फिर कुछ हमारे पास धन भी हो गया, औरत भी अच्छी, आदमी जेब अच्छी है, कमाती है, बच्चे भी, अहंकार पैदा हो गया, ये सारी वृत्तियां आकर के हमारे अंतःकरण को खराब कर देती है।
आंतरिक आला खराब का मतलब विक्षेपता में डाल देती है। याद रखना, काम क्रोध लोभ को अहंकार गंदे ना होते अगर हमारे मन विक्षेपता ना पैदा होती। ये जितनी ज्यादा बढ़ते जाएंगे, ओ सुनो मेरे भगवान की वाणी सुनो, ओ कल्याण करने वाली देवी, ओ शमशान में सड़ने से पहले ये बातें जरा पक्की कर लो। सड़ना हम सबने है, जरा पक्की करें है। ये वृत्तियां गंदी ना होती। क्यों गंदी है? विक्षेपता पैदा करती है, आलचल पैदा कर देती है, छाती गर्म हो जाती है, कुछ करने को जी नहीं चाहता, हम दूधा में फंस जाते हैं, कभी कोई कामना खराब खींचती है, कभी कोई कामना खींचती है, कभी किस तरह जाते कभी इस तरह जाती, बड़ा बुरा हाल। जैसे किसी नालायक ने दो तीन शादियां कर रखी हो तो कभी कोई अपनी तरफ ले जाती है, कभी ऊपर वाली खींचती है, आज ऊपर आ जाओ, नहीं क्यों नीचे क्यों ना, कसमानु कहानी तो कसम तो हमारा एक है, तो क्यों ना नीचे क्यों नहीं रहती, ऊपर क्यों जाती, जब लड़तियां आपस में बुरी तरह इस तरह गंदी वृत्तियां आपस में खींचा खाची करती है, मन में विक्षेप तो हो जाती है। समझो ना, समझो मेरे ग्रस्त में रहने वालों, कभी काम खींचता है, कभी लोभ खींचता है, कभी अहंकार खींचता है, एंड व्हाट बिकम्स ऑफ अवर माइंड, वेवरिंग टॉसिंग है, बेचैनी, मैं क्या करूं। आज वो गंदा वातावरण इस प्रकृति ने बना दिया है कि 99% नर नारी कामी है, क्रोधी है, मोही है, लोभी है, अहंकारी है, बेचैन है, बेकरार है। इसलिए बच्चा बच्चा कह रहे टेंशन टेंशन टेंशन, इसको डॉक्टर क्या करे टेंशन को, जब तक कि हम वृत्तियों पर हावी ना आ जाए। कारण तो ये वृत्तियां है, नेगेटिव क्वालिटीज। और हमारे मार्ग में यही बात है, पता नहीं 2 जन्म 4 जन्म 5 जन्म कितने जन्म हम इन्हीं वृत्तियों का साथ देते रहे हैं। और अब हमारे मन में क्या पैदा हुआ है, एहसास का मादा। हाँ, ये भी कभी कभी पैदा होता है। और देखो, आपका रब, आपका कृष्ण, आपका इष्टदेव, आपका नारायण क्या कह रहा है, क्या 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 कहा, हजारों में होगा कोई खाल खाल हो जिसको फिक्रे असूले कमाल, हजारों के पीछे कोई माई का लाल गुरु का बाल होगा, माई का लाल गुरु का बाल, जिसके अंदर आग लग जाए कि मैंने तो कल्याण करना। कोई नारियों में तो और भी कम, इधर हजारों में इधर लाखों में है। हाँ, भगवान ने मन जो आपका नरम बना दिया, बड़ी जल्दी आपका मन मक्खन की तरह पिघल जाता है, बड़ी जल्दी। इनका जरा पहले ही मन मजबूत है, जल्दी नहीं पिघलता। इनका मन लोहा है, आपका मन मक्खन है, थोड़ी सी गर्माइश मिली और पिघल गए, शाबाश। और आपको तो पूरी गर्माइश चाहिए तब पिघलता, लोहा जल्दी नहीं पिघलता। यू आर वेरी हॉल्ड एंड स्ट्रांग माई लॉर्ड। तो आइए ना, साधन क्या करना है ये पहले जान ले कि मैंने करना क्या है। अंतःकरण को निर्मल करना है, किससे निर्मल करना है, इन्हीं काली वृत्तियों से छुड़ाना है, जिसके लिए आपके परमात्मा जोरदार शब्दों में कह रही है, इन्हें छोड़े में न जाना कहीं, नास्ति कोई अपनी मिटाना कहीं। सुन रहे मेरे प्रभु, मेरे प्राणनाथ, पूरी कोशिश कर रहे हैं आप, अंतर्यामियां देख लो, ये जोरदार शब्दों में हमारे मालिक कह रही है, इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना के, पक्का इरादा करे, नहीं मैंने अपने आप को तबाह करना, इस जन्म में मैं जरूर करके दिखाऊंगा, मैं नहीं कामी बनना, क्रोधी बनना। इतना जोरदार सत्संग मिला, गीता मिली, फिर भी आप में गंदी वृत्तियां आ जाती है ना, फिर भी क्रोध आपको छेड़ देता है ना, छेड़ देता है, फिर भी मोह आ जाता है ना, आपको आ जाता, क्यों आ जाता, पक्का इरादा करो। जब आप में ये कि मैंने कल्याण कर लेना अपना, हाँ तो कल्याण करना तो इन्हीं वृत्तियों को छुड़ा देना और कुछ भी नहीं, इन्हीं वृत्तियों को छुड़ाना है, शाबाश, आजाद। किसी का महापुरुष ने एक दृष्टांत दिया मेरी देवी मेरे सज्जनों, क्या किसी का मुकदमा चल रहा था, एक ने एक के 20,000 रुपए देना था, हाँ मुकदमा चलता रहा, आज उसका फैसला था, मुकदमा माना 2-4-5 साल चलता रहा, आज उसकी आखिरी तारीख थी, आखिरी तारीख का फैसला था, क्या था, एक ने जेल में हो जाना था, हाँ, और एक को टाइम मिलना था कि 5-6 महीने के अंदर आपको 20,000 रुपए मिल जाएगा, और दूसरे को जेल होनी थी, आज ये फैसला होना था, ठीक है। अब अंदर गए, दोनों खड़े हैं, जिसने रुपया दिया था साबित हो गया किसने दिया है, और दूसरे ने साबित हो गया किसने दिया है, हाँ ठीक है। जज ने कहा सूद ना सही, असल ही मिल जाना चाहिए, नहीं दे सके, उन्होंने टाइम भी दिया महीने का पहले, नहीं दे सका,
आज फैसला, आज फैसला। अब जज ने अपना कागज निकाला, जज साहब क्या, देख भाई अब मैं कागज निकाल रहा हूं, पुलिस वालों को बुलाओ। जो आज्ञा जज के लिए फौरन तैयार, हुक्म के लिए पुलिस खड़ी होती है हथकड़ियां लेकर, बेड़ियां लेकर, जैसे ही आज्ञा देंगे उसी वक्त उसके सामने हथकड़ी बेड़ियां लगा लेती। तैयार जज साहब, क्यों कष्ट कर रहे हो, मैंने फैसला सुना है, फैसले को रखो जेब में भरे। हाँ जरा ये पत्नी कैसे होशियारी के साथ, जब ये दोनों पीछे खड़े थे ना, 10,000 रुपया उसके उसके कोट में डाल दिया। जेबें बड़ी बड़ी होती है ना, कोट की जेबें कैसी, वो हमारे वक्त, आजकल तक जरा और तरह कटिंग कुटिंग की जेबें मैंने देखी है, हमारे वक्त जेबें क्या होती थी, जेबें क्या मेरी दियो, ओ मेरे बच्चों जेबें क्या थी, हे मानो लेटर बॉक्स लटक रहे हो, मेरे बाजार कोई निशान नहीं, जैसे लेटर बॉक्स दुकान दीवार पर लटकाते थे, मोटी मोटी डब्बी थी लंबी लंबी, तो उसने उसके अंदर 10,000 इधर 10,000, तब उसने क्या पब्लिक, क्या बात, मैं अपने वापस ले लूं। हाँ सरकार आप ले लो, और जिसने 20,000 रुपया कहना है इधर अपनी जेबों में हाथ तो मारे। जज साहब ये 10,000 तो मेरी जेब में आ गया, ये कैसे, सरकार ये आगे खड़ा था मैंने डर, अब कैसे हो गया, मेरे एक मित्र है मनोहर लाल उनका नाम है, उनको पता लग गया कि आज मुझे जेल हो जानी है। कैसे लगा, उसको पता लगा वकीलों से, तो फिर आज वो मेरे घर में आया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं हमारी इतनी मित्रता, जैसा भी होगा, हाँ मैंने अपनी पत्नी अज्ञा न रख कर ये 20,000 लाया, मैं नहीं दे सकता कि तुम जेल में हो जाओ, ये 20,000 मैंने डाल दी। अब आप ही देखिए क्या हो जाएगा, केस फाइल्ड, कोई जेल में नहीं, क्योंकि 20,000 तो उसने दे दिया, इसी पर केस था। अच्छा भाई जज साहब नमस्कार, वाह शाबाश तेरे मित्र को, क्योंकि फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, मुसीबत में जो काम आए सच्चा दोस्त वही कहलाए। दे गया मौके पर, छुड़ा के बाहर वो खड़ा था, मेरे कहने का मतलब अब जेल छूट गई। इसी तरह जीव आवागमन की जेल से निकल जाता है, आपके गर्भ में नहीं जाता, जब पहले ये आजाद हो जाए इन गंदी मिट्टी से। है यही साधना है, यही तप है, यही जप है, यही गीता जी का पाठ है। निकल गया वो ना आया, आप इससे छूटे कैसे, इसके लिए भी कितना आसान तरीका बताया गया। हाँ ये गंदी वृत्तियां आई कैसे, इन सारी वृत्तियों का मतलब क्या है, वासना है कामना है, काम की इच्छा तो भी इच्छा, क्रोध की क्यों तूने ऐसा मुझे कहा तो भी इच्छा, लोभ और चाहता हूं, मोह मैं चाहता हूं जिसके साथ मेरा प्यार है वो बने रहे, कितनी मेरी मूर्खता तो भी कामना, अहंकार बाकी साथ मुकाबला किया और अपने आप को बड़ा माना, तो ये सारी कामना ही तो है, सारी इच्छा ही तो है। हाँ किससे, ये सारी काम क्रोध बोलो संसार के प्राणियों के प्रति कामनाएं, ध्यान दो नेक जीवो और नेक, आपके कृष्ण कितने जल्दी आपका कल्याण करना चाहते, संसार के कामनाओं के कारण हमारे में काम उठा है, क्रोध उठा है, मोल उठा है, लोभ उठा है, अहंकार उठा है, संक्षिप्त रूप में राग उठा है और द्वेष उठा है, इसी को न समझने कारण से तो दुनिया बनाने वाला कह रहे इसको ठीक समझ ले, अनित्यम असुखम है, ये बार बार सोचा करो, रात को सोके सोच के सोया, बार बार सोची ये तो अनित्य चीज, भगवान ने दुनिया तो बनाई है, वाह मेरे परमात्मा वाह मेरे इष्ट देव है अनित्य, अगर ये बात बैठ जाए दुनिया की कोई चीज हमें लुभा ना सके, कोई भी चीज हमें अपनी ओर नहीं खींच सकती, हम किसी भी प्राणी को पदार्थ को औरत को आदमी को शिमलों को कश्मीर के लैंडस्केप को लचाई नजर से ना देखें, सिर्फ ये बात अंदर बैठ जानी चाहिए अनित्य है, थोड़ी देर का तमाशा है ये, ओ मेरी भगवती थोड़ी देर का खेल है जहां भगवान जी ने हमें भेजा है, थोड़ी देर की बात, जब ये बात आई तो आगे क्या होगा, सुख दृष्टि नहीं बनेगी, कितनी भी चीज अच्छी मन में है तो थोड़ी देर का मैं क्या करूं, है तो ये थोड़ी देर का खेल, मैं इसकी कामना भी क्या करूं, कौन कहेगा इसको सुख दृष्टि से, नहीं मानेगा क्या होगा, मन अंतर में रहेगा। मैं तो केवल आपको कह रहा हूं, हर एक के लिए ये उपदेश ही नहीं है, उपदेश किन के लिए है, जिनमें सतोगुण की बढ़ोतरी है, सतोगुण की अधिकता है, सतोगुण की प्रचुरता है, सतोगुण की प्रबलता है, उनके लिए ये उपदेश है, और सतोगुणी प्रबलता बहुत थोड़े जीवों में कलयुग में होती है,
वरना हरेक में क्या है, रजोगुण की प्रबलता, रजोगुण का बोल बाला, रजोगुण का बोल बाला। सतोगुण तो बहुत थोड़ा रहता जा रहा है, सतोगुण तो लोप होता जा रहा है। ये नहीं कह रहे सतोगुण का नाश होता जा रहा है, नाश नहीं लोप होता जा रहा। सतोगुण अदृश्य होता जा रहा है, दृश्य प्रगट अदृश्य छिप जाना, सतोगुण अप्रगट होता जा रहा है। अच्छा, बहुत ही कम। अच्छा, तो हर एक कृत उपदेश है ही नहीं, ये उपदेश तो थोड़े से जीवों के लिए है। बाकी रजोगुण देख लो सारा दिन इधर जाए इधर जाए, रजोगुण जीव को भगाता है, जो कामनाएं बढ़ जाती हैं, वासनाएं बढ़ जाती हैं, और वो उनको उधर चलिए उसको मिले उसके मिले, आपको क्या होता है, टिकाता है। रजोगुण भगाता है, सतोगुण टिकाता है। सतगुण आपको बिठाता है, टिकाता है, विचार करना सिखाता, और रजोगुण हमें आवारा गर्दी सिखाता है, उधर जाना ये करना है वो करना है, मैंने ये बनाना था मैंने वो बनाना था, इस तरह वो जीव भटकता है, सारी जिंदगी भटकता रहता। क्या सोचकर ये करता हूं, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं, इस फिक्र इंतजार में शामो सहर गई, सुबह शाम हर की ये गुजरी, ये काम कर लिया, ये कर रही हूं, बाकी रह गया ये इतनों को मिलकर फिर मैं कर लूंगी, ये मैं हो ही जाएगा, ये करता हूं, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं, ये करता हूं, ये काम तो कर ही रहा हूं, हो जाएगा, ये काम मेरे हो गए हैं, अच्छा और ये फिर ये बाकी रह गए ये भी मैं कर लूंगा। इस फिक्र इंतजार में, इसी चिंता में सवेरा भी गया और मेरे जीवन का अनमोल शाम भी गई। 99% नर नारी का जीवन मेरी देवी मेरे सजनों इसी में जा रहा है, ये करता हूं, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं, जो बाकी रह गया मैं कल कर लूंगा। इस फिक्र इंतजार में शामो सहर गई, शाम सहर मैंने प्रातः और सायंकाल इसी में व्यतीत होते जा रहे हैं जी। और न रल मिलके कल्याण कर दो, संसार को सही समझा, मन अंतर्मुखी हुआ, बस फिर ये बिटियां खुद ही भागती हैं, मन में वैराग पैदा हो जाता है और अंतःकरण निर्मल होना शुरू जाएगा। जो वैराग आएगा, भगवान ने आपको लक्षण बता दिया, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, क्या होगा, संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होते जाएंगे, संसार संबंधी संकल्प विकल्प। पहले संसार के, हाँ आपको अपने आदमी की संकल्प आती है, आपको अपनी पत्नी की आती है, फिर आगे बच्चों के आती है, फिर धन के आती है, पदार्थों के आती है, जो चले गए उनके आती है, हैं जो जिंदा है उनकी कमियां याद आती है, जो मर गए उनका प्यार उनकी, जो उन्होंने हमारे साथ सेवाएं की वो याद आती है, किस तरह बुरा हाल होता। और अब जब वैराग होता है और नित्य वासुकम पक्का हो जाता है, तो मन अंतर में रहता है, वासना कामना कम होती जाती है, मन का टिकाव संसार संबंधी, फिर कह रहा हूं संकल्प विकल्प कम और भी कम और भी कम। और परमात्मा आपको लगाई रखे, मेरे जैसे को ताकत दे के समझा ही रखे आपको, तो क्या हो जाएगा, वो दिन दूर नहीं जबकि अवस्था क्या बन जाएगी, ख्याल उसकी जो मन इतना लोफर था, ख्यालों की दुनिया में इतना भागा करता था, अब क्या हो गया, सीमट की तरह अंदर में ही जम गया। वाह वाह, सीमट की तरह जम गए, बस जम गया, तलीन हो गया। क्यों नहीं जमता, यही बिट्टियां जमने देती। ये आपकी जाति बहुत ही अच्छी हो, अगर अंदर बैठी रहे, ज्यादा संपर्क ना करे, गलती से आप संपर्क कर लेती हैं, गलती से भूल से संपर्क, कभी पड़ोसी के साथ कर लिया, कभी पड़ोसी अगले 4-5-6 घर है उसके साथ कर लिया, कभी उसकी सहेली के साथ कर लिया, फिर वहां उसको घर में बैठने लग गया, फिर उसका भाई के साथ बोलने तो लग गई, तो पर कहावत मशहूर हो गई, रंडी तो रंडेपा कट्टे पर मुस्टंडे नहीं कट्टन देंदे, रंडी तो अपना रंडेपा कट्टे बेचारी विधवा हो गई है पर मुस्टंडे नहीं कट्टन देंदे। इसी तरह जीव तो अंदर वाला शांति पाए, पर ये मुस्टंडे काम करो लोग ये नहीं कट्टन देंदे। कहावत याद रखना, रंडी तो रंडेपा कट्टे पर मुस्टंडे नहीं कट्टन देंदे, जीव तो आराम से जिंदगी के दिन काट ले, पर अंदर के मुस्टंडे ये बेचैन कर देती है, बेकरार कर देती है। मेरे सजनों, ओ मेरी अपना कल्याण चाहने वाली मेरी अच्छी देवियों, अब सिर्फ इन्हीं मुस्टंडों को निकालना है। हाँ, और वैसे तो कहावत हमारे देश में गए, हमारे इधर प्रांत में भी चलती होगी, जिंदे लगन पीछे चार, कड्डन उनु शहर उबार,
शहर में कुछ चार आदमी आपके खिलाफ हो जाए आपको शहर में रहना मुश्किल कर देंगे, आपको शहर छोड़ना पड़ेगा। कहावत मशहूर है बच्चे जिंदे लगन पीछे चार कंडन उन्होंने शहर की बात। तो इधर भगवान की दो वृत्तियां लग जाए नित्य मां सुखम ये सारे मुछंडे बाहर आ जाते, केवल दो। ये विचार पक्का उड़ जाना चाहिए, जैसे मैं समझ रही हूँ समझ रहा हूँ ये समझती हूँ संसार ऐसा नहीं है, ये तो अनित्य है, थोड़ी देर का खेल है और जाने वाला है, इसे मैं अपनाऊंगा तो इसने रहना ही नहीं मुझे दुख देगा, बस मन अबाउट टर्न मन अंतर हो गया। पर इसके लिए पक्का इरादा हो, कभी ये मैंने कर दिखाना है, ऐसा तो मैंने बन जाना है, थोड़े ही दिनों में तरक्की कर जाओ, दिन में दो चार बार जरूर बोला करो क्या 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 है, उसे भी समझ ले कि साधु है वो, जल्दी साधु बन गया, जल्दी वो नेक पुरुष बन गया, वो जल्दी साधु का अर्थ लगाना भगवान के योग्य, साधु इजिकल टू भगवान के योग्य, क्या वो साधु हो जाए भगवान के योग्य, भगवत कपड़े पहन लू मैं मालाएं लटका दू इधर भुजा बंद पहन लू मैं भगवान के योग्य ना बनू, पखंड हो गया। साधु का मतलब ही वही, सच्चा साधु कौन जो भगवान के योग्य, जो भगवान के योग्य बन गया, समझे मेरी बेटी, समझे मेरे सजनों। तो अर्थ लगाना साधु इजिकल टू भगवान के योग्य, महाराज जी के दर्शनों के योग्य, कोई 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 ले ले में तेरी इरादे के साथ ले ले आजमा रहे हो, भगवान आपको और आजमाने का मौका दे, जो ही आपने पकड़ अब मैं मृत्यु से अपने आप छुड़ा लूंगी, बड़ी जिंदगी गुजर गई कामी क्रोधी लोभी अहंकारी बनकर, नहीं 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 मेरे मालिक मैं जल्दी आप अपने आपको आपके योग्य बना रहा हूं, बड़ी जल्दी अपने आपको योग्य आप स्त्री लेंगे, जरा आपकी माता लगा दी, मैं बड़ी जल्दी मेरे मालिक में योग्य बन रही हूं आपके, बड़ी जल्दी मैं आपका योग्य बन, योग्य कौन सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी, इन गंदी वृत्तियों को निकालो, ये क्यों आई है संसार को सच समझकर और संसार की असलियत को जानकर ये टिक ही नहीं सकती, हाय संसार की असलियत को जानकर ये टिक ये रोक नहीं सकती, ये ठहर ही नहीं सकती, शाबाश शाबाश शाबाश, कारण ना हो तो कार्य कैसा, कारण ना हो तो कार्य कैसा, मैंने मुझे मेरी वृत्ति बड़ी मेरे शरीर बड़ा गंदा था कि यह मानो किसी का, हाँ डॉक्टर साहब ने देखे इसके अंदर मलप है कीड़े हैं, दवाइयां दे दे के सारे मलप निकाल दिए, अब सेहत बनी, जिसमें कारण ही खत्म हो गया अब सेहत बनेगी, पहले खाया पिया जितना दूध देता वो सारे तो मलप ले खा जाते थे, फिर वो बिल्कुल हिरण का पुत्र बना हुआ था दुबला पतला, अब वो कारण खत्म हो गया बीमारी का, मलप निकल गए सेहत बननी शुरू हो गई। हाँ तो जब मालिक हमारे अंतर्यामी तो अनुभव क्यों नहीं होता, इन्हीं मलपों के कारण से, इन्हीं खोटी वृत्तियों के कारण से, जिनके लिए हमारे प्रभु जी हमारे परम हितैषी कह रही है इन्हें छोड़ इनमें ना ना हस्ती को अपनी मिटाना, कहीं सिर आंखों पे रख लो, जैसे मैंने अपने सिर आंखों पे रख लिया और खूब हिम्मत मारी और लगा जा रहा हूं, आप भी इसे करो, और इधर जब आप हिम्मत मारती है जुटती है सच्चाई के साथ जैसे आप लग रही है, उधर मेरे प्रभु की बड़ी ही आकर्षक और प्रिय ध्वनि आती है, बचेगा गुनाहों से दो हाथ मार, बचेगा गुनाहों से दो हाथ मार, बचेगा गुनाहों से दो हाथ मार, नाना प्रकार के पापों से, ये आपके भगवान की शब्द है मेरे तो नहीं, वो सौ मुझे अपने परमात्मा की, ये परमात्मा के शब्द है ना, आपकी माँ के ना मेरे बाप के है तो किसकी है, परम पिता नारायण की शब्द है, बचेगा गुनाहों से दो हाथ मार, और पुरुषार्थ कर इन पापों से बच जाएगा, हाय इतनी शक्ति भरी वाणी, इतनी आश्वासन से भरी हुई वाणी, इतनी अनमोल वचनों से भरी हुई वाणी, क्या गीता गीता गीता, कर गुजरे इस जन्म में तो कर गुजरे, सचमुच मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपको कभी भी किसी जन्म में गीता सुनने का पढ़ने का मौका नहीं मिला, एक कुछ से कुछ छोड़ करके कुछ से भाई बाकी सबको नहीं मिला, अब भगवान आपको थूक के भाव हर सुबह हर शाम हर सुबह हर शाम, कमाल है गीता जी हर सुबह हर शाम मिल रहा है आपको मौका, फिर श्रद्धा आपको भगवान ने इतनी गीता जी बढ़ा दी है, कई आपको खींचती है कई करते लिखा, आपको दिल ही नहीं करता कहीं जाने का, नहीं मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन नहीं मानता ना, मैं ना मुझे मजबूर करता हूं आपको, यही बात है आपको मुझे मजबूर ना करो, ये वक्त तो मैंने वही काटना है, ये इतनी श्रद्धा किसने बढ़ाई, ये मुझे और आपको कौन कह रहा है, दरअसल होती गए ये भगवान ने ही दिव्य शक्ति प्रदान की आपको कि जल्दी कल्याण कर, जिसका एक में श्रद्धा जम जाती है और जुट जाता है जल्दी कल्याण कर लेगा, अब तो भगवान के भक्त आकर रह ही नहीं, अगर है तो धक्के खाते फिरते हैं, कोई उधर जा रहा है फिर उधर जा रहा है, फिर वो कहीं भी नहीं जम सकते, कहीं भी पक्के नहीं होते,
शुक्र बनाओ के एक जगह आप पक्के तो हो गए, अब और शुक्र मनाओ जो ये कह रहे हैं मेरे प्रभु जी मेरे इष्ट देव बाबा, इसको अपना लो। और अपनाने का मतलब निर्मल कर लो। निर्मल किसे करना? विवेक वैराग से, जिसे भगवान जी बता रही है। दुनिया की असलियत को समझा, वैराग हो गया। वैराग से क्या होता है? राग में ये वृत्तियां रहती हैं, वैराग में नहीं रहती। कहो क्या कैसे? ये चोर है पलंग के नीचे बैठा है। अच्छा और कौन? ये चमगादड़। हाँ, ये उल्लू। अच्छा और भी कई, ये सांप छड़ी मार के बैठा है। हाँ, ये सारे भाग जाएंगे जब आप लाइट कर देंगे, जब आपने बल्ब ऑन किया। हाँ, रोशनी हुई। वो देखे उल्लू भागा, वो क्या चोर भगा, मरे मरे मरे। ये अंधेरे से प्यार करने वाले हैं, प्रकाश में नहीं रुकते बेटे। ये अंधेरे के जीव है, अंधेरे में रहेंगे। जो ही आपने इसके ओर प्रकाश किया गए, इस तरह महापुरुष कहती है। ये चोर चक्के राजा काम क्रोध मोलोभ, ये अज्ञानता के जीव है। जो ही आपको मेरे भगवान का ज्ञान मिला, ये ठहर नहीं सकते। ये गए, वो मेरे रूपा, वो मेरे रूपा। निश्चय हमारे प्राणों में आता, शायद पढ़ा हो या सुना हो, क्या देवताओं के वैरी, क्या देवताओं के साथ वैर करके या उनके मार के या कुछ खराब करके समुद्र में छिप जाते थे, और अनेक राक्षस समुद्र में छिप गए। अच्छा, तंग करना उस सागर में छिप जाना, अब देवताओं का वास नहीं चलना, अब क्या किया जाए? आखिर में उस समय के चोटी के महर्षि अगस्त जी के पास आए। अगस्त्य, हाँ, इनके पहुंचे और सारी अपनी व्यथा प्रकट कर डाली। तो फिर मुझे कहो मैं क्या करूं? प्रभु, आपको मेरे हमारे मालिक ने इतनी शक्ति दी है, आप सारे समुद्र के पानी को सुखा दीजिए। अगस्त जी ने, अच्छा अगर मेरी शक्ति इस तरह काम आके आपका भला होता है, मैं कर देता हूं। तो अगस्त जी ने अपनी शक्ति से हाँ पानी उछाले मारे। ये असंभव न कहना, इतनी दिव्य शक्ति होती है कि पानी तो एक मिनट में छिप सकता है। पानी सूखने लग गया, सूखने लग गया तो अंदर से राक्षस निकल, तो पानी तो और कम और कम और, तो उनकी सिरिया नजर आ गई, उनके नक नजर आ गए, उनकी गाले नजर आ गई, तो पानी तो घटता गया घटता घटता गया, छिपे हुए सारे। बस इंद्र को और देवताओं को मौका मिल गया, सारे के सारे पछाड़ दिए गए, मार दिए गए। क्यों? पानी तो सूख गया। इसी तरह जी जितनी गंदी वृत्तियां ये राग में रहती हैं। अच्छा, जब भगवान ने दिया ज्ञान, ये वृत्तियां रह नहीं सकती। जैसे ये पानी में छिपे हुए थे, पानी सूखने लग गया, राक्षस खत्म। तो असल ज्ञान भगवान की, इससे बढ़ के तो ज्ञान ही नहीं है। जबकि खुद भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं, जो असल ये अर्जुन यही ज्ञान कहे, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। अनादिकाल से, शुरू से, दी वेरी बिगिनिंग, जो नारायण ने हमारे कल्याण के, ये जो आजकल के आपके हैं जिनको कहना चाहिए ये फिरके संप्रदाय, ये तो कोई 200 साल का, जो 300 साल का, ये तो कल परसों की बात है। और ये तो अनादिकाल से चल रहा है ज्ञान। अगर गीता का मैं आयु बताऊं तो 5,500 वर्ष पहले जब भगवान ने उपदेश दिया, 5,500 वर्ष पहले। ऐसा तो कोई भी धर्म पुराना नहीं, आपकी कसम, ऐसा कोई भी धर्म पुराना जो 5,500 वर्ष पहले उपदेश दिया गया। अच्छा, ये तो कल के 200 साल का 400 साल का 500 साल का, ये धर्म, ये तो अब ये बड़े, तो ये तो अनादिकाल चलता आ रहा है। शपाश, मैं दीनी अजल का भी हूं आसरा, मेरी जात आली में राह सदा। तो हमारी कल्याण के लिए मेरे भगवान ने शुरू में उपदेश दिया। तो स्पष्ट शब्दों में क्लियर हो जाता है ये बात, कारण नहीं तो कार्य कैसा, कारण नहीं तो कार्य कैसा, कारण ही खत्म। क्यों संसार पे लट्टू हुए अज्ञानता से? भगवान का ज्ञान मिल रहा, इसी जन्म में कर जाओ। ऐसा पक्का राधा करो कि मैंने तो भगवान के ज्ञान को अपना लेना है। बस, जब दूसरे थे अब तो नहीं, जब थे सो थे, जब मैं कुआरी थी सो थी, अब पतिदेव जी मिल गए, अब मैं कुआरी कहां से, जब हम नलायक मूर्ख थे अब तो मेरे भगवान का मुझे ज्ञान मिल गया, अब मैं मूर्ख कैसी, अब मैं अज्ञानी कैसी, अब मैं अपने साथ वैर क्यों कमाऊंगा, अब तो भगवान के ज्ञान का लाभ उठा करके अपने वैरियों को बाहर निकाल दूंगा।
वेरी वेरी गुड, ऐसे आपके उद्गार होने चाहिए, ऐसे ही आपके बोल होने चाहिए मेरी भगवती। अब कैसे, अब नहीं में, अब तो गए, पहले थे सते, अब तो नहीं। सरा पति आपके साथ, आप तो शेरनी बन जाती हो, पति आपके साथ जा रहा हूं शेरनी, ये मेरे साथ है, अब मुझे क्या परवाह। इसी से कहावत बनी है, एक और एक दो ग्यारह, एक और एक दो ग्यारह, एक और एक दो नहीं बोलेंगे, एक और एक दो नहीं, एक और साथ एक लगा दो ग्यारह नहीं बन जाते, इधर भी एक डालो, एक दे भी एक डालो, नलायक जो कहे एक दे, दो हो गए, दो थोड़ा ग्यारह वाली ताकत है, एक और एक दो ग्यारह, जब दो एक लगे हुए तो हम ग्यारह पढ़ेंगे, दो एक के डाल दो तो ग्यारह, हा एक पति एक पत्नी ग्यारह वाली ताकत है उनके अंदर, शाबाश। और एक कान जीवात्मा, एक हमारे परमात्मा, तो ये तो बड़ी भारी शक्ति, इसी शक्ति का लाभ उठाता हुआ जीव अपना कल्याण कर जाता, इसी ज्ञान का फिर निवृत्तियां रहती, जैसे आप देख रहे हैं कम हो रही है, पर जरा आप धीरे धीरे कम कर रहे हैं, आयु आयु तेज रफ्तार से जा रही है, आप धीरे धीरे अंतर निर्मल कर रही हैं, तो ऐसा ना हो कि वृत्तियां रह जाए और आपका शरीर छूट जाए, इसलिए जरा जल्दी कीजिए कि बस मैंने कर ही लेना, तो दिन ब दिन देखेंगे क्या बिल्कुल साउंड स्लीप आएगी आपको, बिल्कुल गहरी नींद, हाँ, और मन बिल्कुल सारा दिन प्रशांत, सपने खत्म, मन प्रशांत, कोई गप शप नहीं चलेगी, दिल नहीं करेगा बकवास करने का, मन अपने आप में ठहरा हुआ, ना हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, कोई चिंता फिक्र नहीं, अगर ज्ञान मेरे मालिक ने आपको बसा दिया, आपने पुरुषार्थ करके ले लिया, चलो कल्याण कर जाओ, बसा लो, अपने देर न लगाओ, क्योंकि आप अपनी खुशी से तशरीफ लाते हैं, आप पधारते हैं अपनी प्रसन्नता से, वॉलंटरली यू कम ओवर हियर, देन बड़ी खुशी से बरसा लेना चाहिए, बड़ी प्रसन्नता से, ये बात तो मेरी बन गई, हाय कितने प्यारे शब्द है जो हम जरूर लाभ उठा जाएंगे, उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्षु है जो, वो धर्मात्मा जल्द करार हो सकूं, धर्म ये आपके कृष्ण कह रहे हैं, ये आपके परम पिता कह रहे हैं, वो जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा, साबित कर दिखा, साबित कर दो इसको, अपने शानदार जीवन द्वारा साबित करो कि मेरी प्रभु कह रही है वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, वो बड़ी जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। धर्मात्मा का विपरीत अर्थ क्या होता है, दुरात्मा, बेटी दुरात्मा, धर्मात्मा का विपरीत अर्थ होता है दुरात्मा, दुर दुर बैड सेंस में होता है, कुत्ता अचानक घर में आ जाए, दुर 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 करते हैं, दुर 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 दुर, कुत्ते को दुर दुर होती है, महात्मा को कभी भी दुर दुर नहीं कहेंगे, है हाँ, उधर देखो दुर्योधन इत्यादि का नाम ही दुर से शुरू होते हैं, दुर्योधन दुशासन दुशाला, सारे नाम ही कुत्ते कुत्ते बने फिरते, सारे हल्के कुत्ते, दो 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 दो, ये 100 भाई थे और एक इनकी बहन थी, दुशाला है दुशाला, ये उनकी बहन, वो भी दू से शुरू होती है, तो और जो हमें दुख देता है तो वो भी दू से शुरू होता है, दुख दुख, शाबाश शाबाश, सारे दाद आशु से शाबाश शाबाश शाबाश, तो जरा ध्यान के साथ, बड़े ध्यान के साथ, वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा। आत्मा होता है मन, और धर्म उसका मान धर्म में ऊंचा उठ जाएगा, धर्म क्या, भगवान का ज्ञान, धर्म को कुछ और न कहना, अर्थ ना निकाले, धर्म जो मेरे प्रभु ने हमारे कल्याण के लिए ज्ञान दिया उसे धर्म कहती है, बस अब धर्म पर दिल दिए जा मदाम, अमल शास्त्र पर किए जा मदाम, अपने 16 अध्याय का अंतिम 24वां फरमान, 24वां श्लोक, अंतिम 24वां श्लोक, शाबाश 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 शाबाश, ये अंतिम फरमान है, आहा जो मेरे महाराज जी ने कहा था, बस तुम अपने अपना दिल इस शास्त्र पर दिए जाओ, आइए जरा बड़े ध्यान के साथ, अब इसी में पक्का राधक, मैंने तो इस जन्म में कल्याण कर लेना, तो कल्याण मुश्किल क्या है, अच्छा बाकी बातें क्यों मुश्किल है, दूसरे के अधीन है, सुनो बात मुश्किल कौन सी होती है, जो दूसरे के प्राधीनता हो, दूसरे से करवाई जाए, सैनी जी ये काम कर दो ना,
जरा फलानी बात कैसी होगी, दूसरे के दे। तो ये तो काम अपने है, ये तो खुद करना है, खुद दूसरे के अधीन हो। तब ट्रैक्टर चलाना और सैनी हो तो बड़ा मुश्किल, तो हल्दा की चलाना, तो जो हल्दा की चलाना तो पीछे पीछे जाना, हल्दा के चलाना पर पीछे पीछे जाना, हल तो अपने हाथ में है पर ट्रैक्टर दूसरों के हाथ में चलवाना पड़ता है। हल्दा की वाना तो पीछे पीछे जाना, ये साधना के क्या करना है, गंदी वृत्तियों को निकालना। इसमें जरूरत नहीं, सिर्फ इतनी जरूरत हमारे जैसे को थी समझ आ जाए के ऐसा कर रहे, बस शाबाश शाबाश शाबाश। एक बारी माँ ने समझा दिया, क्या पुत्र आमे तुझे बताओ, कभी उतर तो बहन फेंक दी चाबी, अरे चाबी दरवाजा खोल ले, मेरे को नहीं खुलता, हम लोग गुग्गू जी में कह, पांचवी जमात की बात है, चौथी जमात की बात, अब चाबी फेंक दी, हमने चाबी बीच में डाल दी, ताला खुल, ऐसी डाल दी चाबी खुलती है कभी, ये तो कोई बताया ना, हमने चाबी लेनी जूं डाल दी और चाबी ताला खुलता ही नहीं, ताला कैसे खुल, फिर माँ आई, क्या बात है माँ नहीं ताला खुलता मेरे से, कितने क्या किया, चाबी लेके मैंने बीच में डाल दी, ताला खुल जाए कमरा पुत्र, जब बीच में डाली ना, हाँ ये तूने डाली ना, ये इस हाथ से डालता ना दाएं हाथ से, तो ये बाएं हाथ है, तो इस ताली को अपने बाएं हाथ की तरफ घुमा घुमा, और खुल गया और लीवर पर हट गए। ताला हमेशा अपनी बाएं हाथ से ये चाबी डाली, ये यू करो, लीवर पर हट गए, तो फिर जब बंद करेंगे तो यही लीवर आगे दांत में जाएंगे तो ताला बंद हो जाएगा। तो एक बार समझ आ जाए कि इस तरफ अपनी बाएं हाथ करने, बाएं हाथ घुमाने से ये बीच में ए, इसको ए, ए, ये कूंगा, ये बीच में डाल के ये इधर दाएं हाथ, तो ये दाएं हाथ ही जाएंगे, क्षमा कर रहे मैंने बाएं कह दिया, तो ये ताला जाके तो ये घुमाएंगे इस तरह से, तो ए लीवर गया इधर, ताला खुल गया। एक बार समझ आ जाए, इतना ही हमसे समझना होता है, वृत्तियां कैसी जाएं, संसार की असलियत को समझकर, बस फिर क्या होता है, जो संसार सुखदाई नजर आ रहा था वो अपनी असलियत में नजर आ गया। महापुरुष कह गए, व्यास जी के शब्द बता दूंगा आपको, संसार को जानना है संसार का त्याग करने के लिए, और प्रभु को जानना है उनका अनुभव करने के लिए। आए खाए 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 खाए, संसार को जानना है उसका त्याग करने के लिए, और भगवान को जानना है उनका अनुभव करने के लिए, उनको अपनाने के लिए। संसार को जानेंगे तो मन खट्टा हो जाता है, ये तो अनित्य और दुखदाई है, ये तो कभी भी मेरी मुराद पूरी कर सकता नहीं, ये सारी मुराद तो मेरी भगवान से पूरी होनी है, अपने प्रभु से पूरी होनी है, शाबाश शाबाश शाबाश, ये अपनी मालिक से पूरी होनी है। बस इतनी सी बात आपके मन में परमात्मा करे बैठ जाए जीव का कल्याण। जो ये बात आपके अंदर गई कि मेरा कल्याण मेरी शांति मेरे भगवान से, बस मेरे देवियों लग जाओगे फटाफट, फिर ये वृत्तियां टिक सकती ना बचे। जैसे हमने कहा कि अंधेरे में प्रकाश किया तो फिर ये चोर ये उचक्के और ये सांप और ये बिच्छू और ये चमगादड़ और ये उल्लू, ये अंधेरे से प्यार करने वाले हैं, ये गए भागे। ये जितनी गंदी वृत्तियां हैं ये अज्ञानता में रहती है, जब हमें पता कुछ नहीं हो गुगू हो हम, तब ये काम क्रोध मोह लोभ अपने अंदर रहेंगे, और जब ये भगवान जी का चोटी का ज्ञान मिला इसमें, तो फिर ये वृत्तियां टिकती नहीं, ये वृत्तियां भागी, और फिर जीव क्या होता है भगवान के योग्य बन जाता, बिल्कुल भगवान के योग्य। अच्छा अब धीरे करके देखते रह करो, दिन ब दिन संकल्प विकल्प कम होते जा रही है, दिन ब दिन चिंताएं कम होती जा रही है ना, दिन प्रतिदिन प्रसार्थ कर रही हूं, भगवान जाने कोई चिंता नहीं, अगर ये जो जो ज्ञान मिलता जाता है कोई प्रसार्थ जो मेरे बस की बात है वो मैं कर रही हूं, मैं कोई आलसी नहीं हूं, जितनी मेरे भगवान ने मुझे शक्ति दिया यथामति यथाशक्ति अपनी ओर जुटा हुआ हूं, आगे मेरे जाने प्रभु, होना तो वही है जो मेरे भागों में है, मेरा काम जो है भगवान ने यही कहा प्रसार्थ करो। कितना शांत, याद रखिएगा जितना मन आपका टिका रहेगा उतनी ही जल्दी आप साधना कर जाएंगे। सियाने कहती है दूध में डाला गया जामन, जितनी देर आप इसे हिलाएंगे नहीं उतनी जल्दी ही दूध जम जाएगा और दही की शक्ल ले लेगा। अगर दूध को हिलाते रहे तो ना वो दूध रहेगा ना वो दही, घेर मेर हो जाएगा।
अच्छा, इस तरह अगर मन विक्षेपता में ना हो, प्रसाद किया हलचल में ना मचे, बेचैनी क्या बनेगा, ये बात कैसी होगी, ये ना हो, मन टिका रहे, क्योंकि मेरे और आपके वश की बात है पुरुषार्थ करना। आगे जाने मेरे प्रभु, आहा ऐसा जी बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर देगा, भले ही आप संसार में हैं या परमार्थ की राह पे चल पड़े हैं। मन को बनाए रखो, मन को एकाग्र रख मेरी बेटी, बेड़ा पार। हाय कितनी ताकत है इरादा में, उसे भी समझ ले कि साधु है वो, कौन किसको, इरादा में नेकी की यक्ष हुए जो, इतना पक्का इरादा, मर मिटना है, अब मैंने कर दिखाना, बस अब मैंने कर लेना, इसी जन्म में मैं तो अपना कल्याण कर जाना, ये गंदी वृत्तियां भला क्यों, जब असलियत की पहचान हो लेगी, अब वृत्तियां मेरे में रह नहीं सकती, नहीं अब तो असंभव बात है कि वृत्तियां मेरे में रह जाए, कभी भी नहीं रह सकती, कभी भी नहीं, शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल भी नहीं, ये तो ठीक हो जाएंगी। एक ही सहेली बड़ी इंटेलिजेंट है, एक आपकी सखी बड़ी इंटेलिजेंट है, आप कमजोर है तो कितना विश्वास, अरे भाई ये क्या बात, मुझे तो इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, मुझे ये हिसाब बहुत अच्छा आता है, मैं कभी तुझे फेल नहीं होने दूंगी, मैं तुझे काफी टाइम दे दिया करूंगी, सचमुच अगले साल आप पास हो गए, क्योंकि उसने काफी टाइम दिया। अब भगवान की गीता लेकर मेरे जैसा समझाने वाला आपके पास, भगवान की गीता और दिव्य शक्ति भगवान दे रहे हैं, इस जन्म में तो हमने फेल होना ही नहीं, इस जन्म में तो हमें कामयाब हो ही जाना है, इस जन्म में तो हम परले पार पहुंच ही जाएंगे। ये सारे शकुन कितने अच्छे शकुन है, भगवान विवेक की बुद्धि दे रही है, विवेक की बुद्धि, हाँ मेरे जैसा समझाने वाला आपके लिए भेज दिया, और मुझे ये नहीं कहते कहीं और किसी स्टेशन पे चल, कहीं और प्रचार करने चल, नहीं बाबा टल तो पक्की पकाई घल, अब तो पक्की पकाई आपके पास आ रही है, और बाबा टल भी बैठा हुआ है, कहीं जा ही नहीं रहा, समझाने वाला आपके पास, समझने वाली बुद्धि मेरे मालिक ने दे दी, और गीता सवेरे शाम आपके पास, अब बिगड़ी ना बनने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा विचार किया करो, जब इष्टदेव आपको नारायण मिले हुए हैं, वो नारायण का चोटी का ज्ञान मिला हुआ है, और समझाने वाला आपके पास है, बस फिर तो थोड़ा सा प्रसाद किया जा, थोड़ा सा प्रसाद, बस आपका प्रसाद तो इतना ही है जितना कभी ऐसा करते थे, जब माँ बीमार हो गई तो रोटी पकानी पड़ती है बहन को, हाँ और बाकी बहनें पढ़ने गई हैं, मैं घर में हूं तो बहन इतने जल्दी मैं सारे काम कर दूंगी, तू मेरे पास रहे, या तो मैं रोटी पकाता, हमारे यहाँ खड़े होकर नहीं पकाते थे, बैठ के पकाते थे, पीढ़ी पे बैठ जाना और पकाते रहना, और चूल्हे होते थे जिससे पास बैठो तो आंखों में धुआं ही धुआं, हाय मेरे रब्बा, आंसू ही, जैसे दादी मर गई हो, दादा मर गया हो, बार बार आंसू बह रहे, इतना धुआं निकलता, तो बोलते ये करे रोटी में सब कर दूंगी, ऐसा कर तू मेरे पास रहो, हाँ ओह वो फलानी चीज रहेगी तू उठा के लिया काका, जा भैया उठा के लिया फलाने, वो हम उसके लिए हेल्पर हो जाते थे, फलानी चीज लिया, ये लिया, वो लिया, और देखो आग बहुत ज्यादा बल गई तो उसे पानी देना, मैं पानी डाल दू उसके बाद आग ज्यादा ना भड़के, और देखो लकड़ी थोड़ी रहेगी तो बाले लिया, एक 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 और चौथी लिया, मैं डाल वो छोटे मोटे काम कर दिया, रोटी पक जाए सब कुछ हो जाए ना, आप बाकी सारे काम कुछ मैं कर रहा हूं, भगवान काफी कर रहे हैं, और जनाब ने थोड़ा बहुत काम करना है, महाराजी दीवाणी समझी, ये मैंने अपना लेना है, ये बात इस प्रकार की है, सब रेडीमेड आपको मिल रहा है, सब पका पकाया खाना, सिर्फ उसको थोड़ी देर समय देना, तर जाओ नेक जीवो तर जाओ, गीता का सत्संग मिला जी, ये रामायण नहीं, ये भागवत पुराण नहीं, ये किसी महात्मा का सत्संग नहीं है, ये तो अपनी भगवान की चूठी की ज्ञान का सत्संग है, जिसके लिए रब कह रहे नहीं शह जहां में कोई करे पाक फितरत जो इंसान की, अर्जुन ज्ञान से बढ़कर अंतःकरण को निर्मल करने वाला और कोई उपाय नहीं, वो बुझे और आपको प्रदान है, बस अब तो तर जाना, अब तो बेटी तर जाना, बस अपने आप को निर्मल कर लेना है, साधन का मतलब ही यही है, अपने आप को निर्मल कर लेना, अपने आप को पाक साफ कर लेना, बस अपनाने की चेष्टा करो, और इसी जन्म में कल्याण कर लो, पक्का इरादा कर लो, मैंने इसी जन्म में तर जाना, अब नहीं मैं गर्भ में आने की रही, अब मुझे समझ आती जा रही है, अब नहीं मैं आवागमन के चक्कर में आऊंगा, शाबाश मुझे समझ आती जा रही है, निर्बल करने में पूरी सहायता करो, अगर आपका पक्का इरादा होगा तो प्रभु का ये अटल नियम है,
परमात्मा उन्हीं की सहायता किया करते गए जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती। आपने खूब घोटे लगाए होंगे, अब अपने जीवन द्वारा साधना द्वारा चरितार्थ कर दिखाइए। गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपने लिए जुट जाती है, लग जाती है, परमात्मा उन्हीं की सहायता करती है। परमात्मा किनका पक्ष लेती है जो खून पसीना एक कर रही हो, याद रखना, परमात्मा किनका पक्ष लेती है जो खून पसीना एक कर, चाहे किसी भी लाइन में हो, चाहे संसारिक लाइन में हो और चाहे पारमार्थिक, दो ही तो लाइने है, लोक और परलोक। चाहे आप लोक में पुरुषार्थ कर रहे हैं चाहे परलोक में पुरुषार्थ कर रही है, भगवान उनके लिए सहायता जो पुरुषार्थी है, पुरुषार्थी की सहायता भगवान लेते हैं, आलसी की नहीं, पुरुषार्थी की सहायता भगवान करते हैं। अति सुंदर, अति सुंदर, अति परमात्मा करे आज की ये भगवान के बोल हमारे बड़े काम आए। प्रभु कृपा करे ये बोल हमारे बड़े काम आए। क्या उसे भी समझ ले के साधु है वो, इरादा मैंने की के यक्षु है जो। सुनो नेक जीवो, आपके भगवान आपके कल्याण के लिए आपको वचन दे रही है। उसे भी समझ ले के साधु है वो, इरादा मैंने की के यक्षु है जो। वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सको दायमी पाएगा। भगवान करे ये अनमोल बोल हम सब पे लागू हो जाए। उसे भी समझ रहे कि साधु है वो, अब वो पक्का भगवान का प्यारा बन गया। इरादा में नेकी के यक्षु है जो, जिसने अपनी ओर से पक्का इरादा कर लिया है कि अब तो भगवान के ज्ञान को लेकर मैं जरूर ही अपना कल्याण कर जाऊंगा। अब तो कोई कारण ही नहीं कि मैं कल्याण, अब नहीं मैं दुनियादार में फंसती, अब मैं दुनिया में धक्के नहीं खाऊंगा, गंदी मिट्टियों में अब नहीं जाऊंगा। पहले तो पता नहीं था, अब नहीं, अखी वेख के मक्खी निकली जांदी, अखी वेख के मक्खी नहीं निकली जांदी, नहीं पारो ए मेरे मनोरी। पहले पता नहीं था मक्खी निकल दे रहे लाची समझ के, अब तो पता लग गया कि तो मक्खी है, टंगा पे नजर आ दी और अगे मुंह नजर पे आंदा है। अब नहीं हो मक्खी वेख के मक्खी निकल दे, अब पता लग गई ये खोटी बिट्टियां हमारे हमारा हमारा बड़ा नुकसान कर रही थी, हमें कहीं के नहीं छोड़ रही थी। अब तो ये वचन हमें रोआ रही है भगवान के, वो दुश्मन आए अपने लिए सर्व सर, वो दुश्मन आए अपने, जो इन वृत्तियों को पाल रहा है वो अपने साथ वैर कमा रहा। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, शाबाश, बहुत अच्छे, अब इस जन्म में नहीं, अब तो हमें भली प्रकार रियलाइज कर रही है। आहा आहा, अब हो ही नहीं सकता ये। परमात्मा करे मैं और आप इसी जन्म में ये साबित कर दिखाए कि इसी जन्म में हम अपना कल्याण कर लिए। भगवान का ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान को मन में बसा लेंगे, ज्ञान को अपना बना लेंगे, गंदी बिट्टियां टेक नहीं सकती। गंदी बिट्टियां गई कारण ही तो कार्य कैसा, अज्ञानता नहीं तो ये गंदी बिट्टियां क्यों, अज्ञानता के कारण से गंदी वृत्ति होती है। भगवान का ज्ञान मिला, गंदी वृत्तियां गई। हाँ, अति सुंदर, इतना चोटी का ज्ञान सुंदर। हाँ, परी बन के और कबन ना नामुमकिन भाई नामुमकिन, हरी कबन के जा हो मेरे प्रभु, अजी हरी कबन के और कबन ना नामुमकिन भाई नामुमकिन, हरी सुनिए 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 और मन में गुनिए, हरी कबन के और कबन ना नामुमकिन भाई नामुमकिन, अजी अमृत पी के विष का पीना नामुमकिन भाई नामुमकिन, अमृत
आए हाय आए हाय। अजी अमृत पी के विष का पीना नामुमकिन भाई नामुमकिन। अमृत अजी हरी कबन के और कबन ना नामुमकिन भाई नामुमकिन। हरी आप पक्का कर ले हरी कबन के और कबन ना नामुमकिन भाई नामुमकिन। अजी अमृत पी के विष का पीना नामुमकिन भाई नामुमकिन। अमृत पी के अजी हरी कबन के और कबन ना नामुमकिन भाई नामुमकिन। हरी जाओ जाओ मेरे मालिक जाओ। अजी अमृत पी के विष का पीना नामुमकिन भाई नामुमकिन। अमृत पी के अजी अमृत पी के विष का पीना नामुमकिन भाई नामुमकिन। कसम है आपको अपने कल्याण की इसी जन्म में साबित कर दिखाओ। हरी कबन के और कबन ना, इन गंदी वृत्तियों का बनना अब नामुमकिन इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल असंभव असंभव असंभव। अमृत पी के फिर विष का पीना असंभव असंभव असंभव। हरी कबन के और कबन ना नामुमकिन भाई नामुमकिन। अरे अमृत पी के फिर विष का पीना ना बाबा नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन। हार्दिक धन्यवाद हार्दिक आशीर्वाद मेरे बेटियों मेरे सज्जनों। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
पश्यंतु माता जी दुखार बने हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।